नमस्कार। सो फिलीपींस का एक बहुत मेजर अपडेट आया है और ये अपडेट किसी कोर्ट ऑर्डर से नहीं बल्कि फिलीपींस में इंडियन एम्बेसी से है। सो टेक्निकली जो इंडिया एम्बेसी फिलीपींस में है और उन्होंने एक एडवाइजरी इशू करी जो कि उनके फेसबुक पेज पे है, जो कि ऑफिशियल फेसबुक पेज है जिसमें कि इंडिया इन फिलीपींस के नाम से आप ढूंढ सकते हैं। और उन्होंने यही लिखा है कि फिलीपींस में इंडियन स्टूडेंट्स लाइसेंसिंग एग्जाम में नहीं बैठ सकते। उन्होंने क्यों क्लियर कर दिया है कि चूंकि इंडिया अलाउ नहीं करती है कि अगर कोई कल को फिलीपींस का स्टूडेंट आके जो फिलीपींस नेशनल हो और वो इंडिया में आके प्रैक्टिस करना चाहता है और वो हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम में FMG में बैठना चाहता है, क्योंकि हम अलाउ नहीं करते हैं इसलिए फिलीपींस अलाउ नहीं करेगी। और देखिए, यही बात मैं आपको पिछले 2 साल से कह रहा हूँ तो मैं रिपीट करता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट 18 नवंबर 2021 वाले रूल आने से पहले हमने एडमिशन कराया था, मैं उनको बार बार कहता हूँ, बार बार समझाता हूँ, आप नए NMC के रूल में नहीं आओगे और हम जब भी आप लोग वापस आ जाओगे पढ़ाई करके, आपको इकट्ठे होके 700-800 हज़ार बच्चों को एक पिटीशन बोलिए, रिट बोलिए, केस बोलिए, ये डालना है कि आपका रूल आने से पहले हम एडमिशन ले चुके थे, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके थे। तो आज भी मेरा मानना है कि 18 नवंबर 2021 से पहले के बच्चों की एडमिशन्स को मान्यता मिलेगी इवेंचुअली, बट उसके बाद खासकर जो ऑफिशियल 2022 बैच में गए हैं, मतलब कि 2022 के नीट के बाद या उसके अराउंड, उनका तो बहुत मुश्किल है। और 23 वाले तो मतलब बिल्कुल ही मत सोचिए। और 22 में एटलीस्ट ग्लोबल नॉलेज वर्क्स ने एक भी बच्चा नहीं भेजा फिलीपींस, हमने तो बाहर ही नहीं भेजा था क्योंकि इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न था NMC रूल्स को लेकर जो 18 नवंबर 2021 को आए थे। तो हम बहुत क्लियर थे और हम स्टूडेंट से कहते थे कि हम कोई गारंटी नहीं लेंगे आपकी फ़िलहाल कि कौन सी कंट्री आपको फुलफ़िल कर रही है। अब धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़े हैं, 23 तक आते आते हमें क्लियर हुआ है कि कौन सी 5 कंट्री हैं 6 कंट्री हैं जो सारे फुलफ़िल कर रहे हैं और आप भी उन्हें फुलफ़िल कर पाएंगे। देखिए, चाइना भी फुलफ़िल कर रहा है, बट क्या चाइना का चाइनीज़ लैंग्वेज का पेपर हम दे पाएंगे जब हम 6 साल इंग्लिश में पढ़ेंगे, या रशिया का रशियन लैंग्वेज का पेपर हम दे पाएंगे जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, क्योंकि वो लोग इंग्लिश मीडियम पेपर नहीं लेने वाले, जबकि उज्बेकिस्तान, खजाकिस्तान, किर्गिस्तान या नेपाल, इन सब देशों में मामला चल जाएगा और फिलीपींस में बिल्कुल नहीं चला। सो 23 तो भूल जाइए, 22 वाले भी तुरंत वहाँ से भागिए अगर आप कोई चला गया था गलती से किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू। और अभी भी आपके पास मौका है कि 23 में आप इन्हीं 4-5 कंट्री में एडमिशन लीजिए। और 2021 की जहाँ तक बात है वो मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि आप सेफ़ हो। और देखिए, घुमा फिरा के ना फिर से आप एक लॉजिक समझिए क्यों मैं समझाता था। अब्रॉड की जो कंट्री है ना, ये मोटा मोटी 2 तरह की हैं, 3 तरह की भी कह सकते हैं पर 2 तरह की है। जब हम कंसल्टिंग या काउंसलिंग करते हैं हम हमेशा समझाते हैं, कुछ कंट्री हैं जो अपने आप में बहुत डेवलप्ड है, ठीक है, हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं, वो हमें वेलकम करते हैं, हमें अच्छे से सपोर्ट करते हैं, लेकिन ना वो देश हम पे डिपेंडेंट नहीं है। रशिया, चाइना, फिलीपींस, एटलीस्ट ये 3 कंट्रियाँ अगर मैं लास्ट उसकी बात करूँ, फॉर दैट मैटर बांग्लादेश भी, देखिए ये सब की इकनॉमी बहुत बड़ी है, उसमें अगर साल के हमारे 5,000-2,000 बच्चे चले जाते हैं, मतलब एट ए टाइम 6 साल के मिला लें तो 25,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, एवरेज 3 लाख रुपये हमने फ़ीस दी, तो 25,000 3 लाख जो डॉलर में अमाउंट बनता है, इट इज़ नेग्लिजिबल फॉर ऑल दिस 3, फॉर दैट मैटर बांग्लादेश ऑल्सो, बिकॉज बांग्लादेश भी एक बहुत पॉपुलस कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है। ये 4 कंट्री कभी भी ना हमारे लिए कोई रूल बेंड नहीं करेंगे। इसलिए आप शुरू से नोट कीजिए कि जब ये नया रूल नहीं आया था तो भी NMC क्यों चाइना के MBBS को या फिलीपींस की क्लर्कशिप को, नेपाल, बांग्लादेश को और चाइना को, याद है इन्हीं देशों को मान्यता देती थी कि आप नेपाल से इंटर्नशिप करके आते थे, चाइना से करके आते थे, फिलीपींस की क्लर्कशिप होती थी तो आपको इंडिया में दोबारा इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ती थी, या नेपाल, बांग्लादेश, क्योंकि मोटा मोटी सबको पता है ना कि ये बड़े देश हैं, ये हमारे लिए रूल्स को बेंट नहीं करेंगे। यूक्रेन भी नहीं करता था फॉर दैट मैटर, वो भी एक ठीक ठाक बड़ा देश था 2.5-3 करोड़ की पॉपुलेशन का, बट किर्गिस्तान विद द पॉपुलेशन ऑफ 50 लाख, यस पूरे किर्गिस्तान की पॉपुलेशन 50 लाख, आर्मेनिया विद द पॉपुलेशन ऑफ 1 करोड़, उज्बेकिस्तान पॉपुलेशन तो 2-2.5 करोड़ है बट उतना डेवलप नहीं है, और कजाकिस्तान। अब ये देश ऐसे हैं जो छोटे हैं, और अगर आप किर्गिस्तान की बात करें तो जो हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जो हम फीस वहाँ पे करते हैं, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट फॉर देम, फॉर द एंटायर कंट्री एम टॉकिंग अमाउंट, उज्बेकिस्तान के लिए, कजाकिस्तान के लिए इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट।
नेपाल में भी जो नेपाल के मेडिकल कॉलेज हैं उनके लिए इट्स ए वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट, और दूसरा जो नेपाल और इंडिया के जो रिश्ते हैं उन रिश्तों के मद्देनज़र इन देशों ने अपने अपनी रूल को किसी ने चेंज कर लिया है, किसी ने मॉडिफाई कर लिया है टू सूट अवर न्यू NMC रूल्स, राइट। जॉर्जिया फॉर दैट मैटर, अगेन बहुत छोटा सा देश है, 45 लाख पॉपुलेशन है, तो जो ये 50 लाख पॉपुलेशन के देश हैं वो बहुत डिपेंड हैं, जो हम बच्चे MBBS करने जा रहे थे और उनको फीस और अपने हॉस्टल को खाने का खर्चा दे रहे थे, बट चाइना, रशिया, फिलीपींस, ये बड़े देश है, बांग्लादेश, दे विल नॉट चेंज देयर रूल्स। तो फिलीपींस से तो बिल्कुल मना कर दिया है, चाइना और रशिया में आप अलाउड हैं, बट मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोनों देशों में जो पेपर होता है वो उनकी लैंग्वेज में होता है और आपकी पढ़ाई इंग्लिश में होती है। ठीक है, कहने वाले कहते हैं और मैं मना भी नहीं करूँगा, अगर आप में हिम्मत है कि आप वैसे भी रशिया जाके रशियन सीखते ही हैं, चाइना जाके चाइनीज सीखते ही हैं, लेकिन पढ़ाई आप इंग्लिश में कर रहे हैं, पेपर आप उनकी लैंग्वेज में देंगे। हम लैंग्वेज सीखते थे पेशेंट से बात करने के लिए, पर क्या हम लैंग्वेज सीख के पेपर भी दे पाएंगे भगवान जाने, और उनका पेपर में कोई जुगाड़ भी नहीं चलेगा, द पेपर वुड बी स्ट्रिक्ट, क्योंकि जैसा मैंने कहा वो इतने बड़े देश हैं कि हमारे कुछ बच्चों के लिए दे विल नॉट बेंड देयर रूल्स अनलाइक द स्मॉलर कंट्रीज। तो एक लॉजिक है, और उस लॉजिक के मद्देनज़र ही फिलीपींस से बहुत मुश्किल था, क्योंकि फिलीपींस अगेन इज़ ए 10 करोड़ पॉपुलेशन, वेरी हाई GDP कंट्री, तो हमारे कुछ बच्चों के लिए वो अपने पूरे देश का रूल चेंज नहीं करेंगे, राइट। सो वॉज चाइना, सो इज बांग्लादेश, एंड यूक्रेन की तो बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये सब सोच समझ के आप फैसला कीजिए आपको पढ़ने कहाँ जाना है, और फिलीपींस डेफिनेटली बिल्कुल मना है, बंद है। और कुछ लोग जो मेरे पुराने वीडियोस देखते हैं कहते हैं सर आप 2021 के हमने वीडियो देखा आपका फिलीपींस नंबर वन था, बिल्कुल। तो 18 नवंबर 2021 से पहले फिलीपींस वॉज में फर्स्ट चॉइस, कोई शक की बात नहीं है। जो कंसल्टेंट, जो कॉन्ट्रैक्टर दूसरे देशों का काम करते हैं उससे बहुत नाराज़ भी होते थे, और मैं सीधा कहता था यार फिलीपींस अच्छा क्या हो सकता है, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, 5.5 साल में पूरी पढ़ाई ख़त्म, US पैटर्न ऑफ एजुकेशन, US सिलेबस, पर वो सब अब बेकार हो गया है क्योंकि आप वहाँ पर लाइसेंस एग्जाम में नहीं बैठ सकते। सो 18 नवंबर 2021 का रूल आते ही आई हैड माई सीरियस डाउट्स अबाउट फिलीपींस, वो ऑफिशियली भी हो गया है, और फिलीपींस से आप लोग बचें, बच्चे, पेरेंट्स, और फिलीपींस भी नहीं, मैं तो कहूँगा चाइना, रशिया को भी आप बहुत सोच समझ के देखिए, और भी ऑप्शंस हैं ना, तो क्यों आप उन्हीं दो देशों के पीछे भागते हैं, क्योंकि ये जो नया रूल आ गया है कि वहाँ का एग्ज़ाम जो पास करना और वहाँ का जो लाइसेंस लेना है वो इतना आसान नहीं है। ओके, सो बहुत सोच समझ के फैसला कीजिए, बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिए, हमारी मदद चाहिए, जेन्युइन हेल्प चाहिए, जेन्युइन सपोर्ट चाहिए, ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन, फीडबैक चाहिए, ताकि आपका बच्चा अच्छा डॉक्टर बने, आप अच्छे डॉक्टर बने। 9643362320 पे कॉल कीजिए और अपना उज्ज्वल भविष्य बनाइए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बाय-बाय।